यद्भद्रं तन्नासुव सभी को सादर नमस्ते। मैं डॉक्टर सतीश चंद्र आर्या, उम्र 70 वर्ष, एमबीबीएस एमडी चिकित्सक, भरतपुर राजस्थान का निवासी हूँ। मेरा क्रमांक 1866 है। मेरा जन्म निष्ठावान आर्य परिवार में हुआ। मेरे पूज्य एवं आदर्श मेरे पितामह पूज्य स्वामी सत्यानंद जी, जिन्होंने हैदराबाद सत्याग्रह आंदोलन में भाग लिया, आर्य मल्ला कन्या विद्यापीठ भुसावल भरतपुर की स्थापना की, जिन्होंने पशुबली को कैला देवी करौली में पूर्ण रूप से बंद करवाया, जिन्होंने ब्रजानंद वैदिक साधना आश्रम मथुरा की स्थापना की, सत्य प्रकाशन तपोभूमि मथुरा का प्रकाशन किया, आर्य वानप्रस्थ आश्रम ज्वालापुर में कुटियों का निर्माण करवाया। मैंने स्वयं गुरुकुल कुरुक्षेत्र में सन 61 से 64 तक पूज्य आचार्य प्रिय भरत जी के चरणों में रहकर विद्याधन किया। आध्यात्मिक जागृति इंटरनेट सत्र में प्रिय अनुज श्री अशोक जी आर्य दैनी के माध्यम से जुड़ा। दो बार पूज्य स्वामी विवेकानंद जी का सत्संग भी प्राप्त हुआ। इंटरनेट सत्र में जुड़ने के बाद फिर से पूरी निष्ठा से आर्य होने का संकल्प लिया। यज्ञ संध्या ध्यान जप आदि कार्य में जो कभी कभी शिथिलता आती थी उसे दूर करने का प्रयत्न करूंगा। परिवार में मेरे बच्चे सभी संध्या हवन में रुचि रखते हैं। दैनिक यज्ञ एवं संध्या उपासना के मंत्रों के अलावा भी मंत्रों को याद किया, सत्र द्वारा अर्थ सही पाठ करने में ध्यान लगाने में एकाग्रता बढ़ने लगी। मैं पूज आचार्य ईश्वरानंद जी का कृतज्ञ हूँ, जिन्होंने पुनः मेरे मस्तिष्क में सरल शब्दों में प्रकृति जी ईश्वर पुनर्जन्म कर्मफल जन्म मरण चक्र मोक्ष की नई नई जानकारियां दी। पुनश्च मैं गुरुकुल रोजर के पदाधिकारियों से निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार के सत्र नियमित अंतराल के बाद करने की कृपा करें, जिससे हम निष्ठावान आर्य बनकर अपना एवं देश का हित कर सकें। आपके द्वारा भेजी गई पठनीय दर्शनीय सामग्री का नियमित अध्ययन एवं स्वाध्याय करूंगा। आपके द्वारा दी गई किसी भी आज्ञा को सहज पूरा करने की चेष्टा करूंगा। ओम अग्ने नय चतुराय अस्मान विश्वान देव वयुनानि विद्वान योध्यस्मद्युः